लाइक एंड सब्सक्राइब टू इंडो पाकी न्यूज। हेलो दोस्तों, इंडो पाकी न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे चाइना फिलिस्तीन के साथ मिलके इसराइल को हराना चाहता है और इसराइल के जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्योंकि इसराइली जो है वो उन्होंने ऑलरेडी फिलिस्तीन के दो बंदरगाहों पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और चाइना को वो ना गंवा रहा है, और चाइना उस डेवलपमेंट को देख नहीं पा रहा और फिलिस्तीन की मदद करके इसराइल को पीछे ढकेलना चाहता है, रोकना चाहता है इस डेवलपमेंट को। सो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी ज़्यादा सुधार कर सकें और आपके लिए बेहतर वीडियोज़ बना सकें। सो गाइस, चलिए हम वीडियो देखते हैं और फिर लास्ट में आपसे इस बात करेंगे। चाइना के वजीर खारजा ने फलस्तीनी अथॉरिटी के वजीर खारजा से बात करके कहा कि हम किसी सूरत ये नहीं होने देंगे इसराइल का, ठीक, इसराइल का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहें। और इसलिए बात उन्होंने की कि इसराइल जो है उसकी दो बंदरगाहों पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है चाइना की, हैफा पे और हैफा समेत दूसरी बंदरगाह, ठीक है, अभी शाम के अंदर भी वो ले रहे हैं, ये बैरूत और शाम के दरमियान मोटरवे को भी बना रहे हैं। बैरूत और ट्रिपली मैं अभी कुछ हफ्ते पहले देख कर आया, वो जबरदस्त किस्म की एक रोड वहां पे तैयार हो रही है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यहां से वो ये इलाका फिर जुड़ेगा यूरोप के साथ वन बेल्ट रोड वाला। अच्छा, अब जरा आ जाए इधर, ये दो भाई हैं ना, मोदी और ट्रंप, भाई भाई, उन्होंने खुद ही कहा है। और मैं आपको बताऊं एक बात, मैं आपको जरा यहां पर बताऊं, ये इनके हैं अजय शुक्ला, ये बड़े जबरदस्त इनके एक साबिक कर्नल हैं इंडियन आर्मी के, और अब वो लिखते भी हैं और मुख्तलिफ अखबारात में लिखते भी हैं, तजिया भी देते हैं, टीवी पे आते भी हैं। उन्होंने ये बताया है, आज उनका कहना है कि जैसे कि कारगिल, मैंने कारगिल का नाम ध्यान में रखिएगा, चंद्र पहले मैंने बात की थी, अच्छा वही कहते हैं कि जिस तरह से कारगिल के दिनों में श्रीनगर जुलिगा कारगिल ले हाईवे को पाकिस्तान की फौजों ने लद्दाख से काटने की कोशिश की थी नॉर्थ के साथ, चीन जो है वो भी गैलवान रिवर वैली में उसकी ट्रूप्स आ गई हैं ताकि ये जो DSDBO हाईवे है उसको काट दिया जाए, SSN ऊपर की फौज के साथ ये रोड बीच में से कट जाए। ये बिल्कुल कराखरोबाद, ये बिल्कुल वही हो रहा है जो कारगिल में हुआ। लेकिन उसके बाद वो कमाल की बात कहते हैं, खुद ही कह रहे हैं, वही कहते हैं कि 60 किलोमीटर का जो इलाका है वो एक महीने में 60 किलोमीटर, ये उधर दिखाएंगे 60 किलोमीटर, मेरे पास थी 35 किलोमीटर निकल गए, वो कह रहे हैं, ये कर्नल है, फॉर्मर कर्नल, ये कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर जो है वो भारत का इलाका जो है वो निकल गया है, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, उसको जरा प्रोमिनेंट कर दीजिएगा प्लीज, 60 किलोमीटर, इससे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये इलाका निकल गया। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात कि पाकिस्तान में तो अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर अल्लाह ताला खैर करे अमवात ना हो, इमरान खान साहब संभालें, अवाम संभालें, जो भी कुछ करना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं काफी दिनों से ये सुन रहा हूं बैठ के, मैं एक बात मेरे जहन में आई है उसको मैं कंप्लीट करूं कि एक बात तो यह है कि ये जो खत्म होगा ना बोहरान, मैंने ये क्यों बात की है कि माशी बोहरान के बाद अरब अपराइजिंग हो गई, इस माशी बोहरान के बाद भी इत्तेदाद शुरू होंगे दुनिया में, ठीक, वो जो अनफिनिश्ड एजेंडा रह गया था ना वो इसके बाद शुरू हो सकता है। खास देखिए ना, इससे कोविड से पहले क्या था, अफगानिस्तान सरपैर नहीं, नहीं नहीं वो आप देखे ना, हुती मिसाइल मार रहे थे रियाद के ऊपर, मिल जा रहे थे, तो सेंचुरी जबरदस्त हो गई, नहीं नहीं डील हो तो सेंचुरी गई, मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़े बड़े अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। और उसमें एक बात मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, अभी मैं ये जरा इसके ऊपर बात करूंगा इसराइल के ऊपर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मैंने एक दो दिन पहले कोई इंडिया का मैं देख रहा था मीडिया उनका, तो उस पर ये बहस चल रही थी, देखिए ये जो बहस है ना मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर वाली, मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं इसमें बहुत दिलचस्पी, देखिए मोदी जो है, मोदी साहब इस मसले को
वो कहते हैं ना OIC की मेंबरशिप चाहिए, कई मुल्कों में जाके इस्लामी बरादर ममालिक में उन्होंने गोलगप्पे खाए हैं पिछले 2-3 सालों में, कश्मीर के ऊपर खामोशी अख्तियार की है उन ममालिक ने, काफी दोस्त हैं इनके वहां पे। ये ऐसा कह देखें, जो मोहम्मद बिन कासिम वो अरब था, पाकिस्तानी नहीं था, वो अरब था और बयान, और ये वो अब्दुल मालिक बिन मरवान जिन्होंने हरम शरीफ की तौसीक की, जिन्होंने दमिश्क की जामे मस्जिद बनवाई, जिन्होंने मस्जिद अक्सा की, बड़े जबरदस्त उनके वो जन। तो ऐसा करें, मोदी साहब अजीत देवल को भेज दें किसी भी अरब मुल्क में और वहां पे एक मनाजरा कर लें कि जी आपका जो जनरल मोहम्मद बिन कासिम आए थे, तशरीफ लाए थे उमवी अरब, ठीक है, तो आप ये बता देंगे क्या वो सही थे या गलत थे। तो हमारे लिए तो वो भी मोहतरम अरब मुसलमान फाते, और ये अकलियत यहाँ पे हम इनका भी एहतराम करते हैं, राजा दायर अकलियत, तो फैसला जरा अरब मुल्कों में कर ले ना। और एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात जी। और महमूद गजनवी सोमनाथ को तोड़ा था, देखिए ना महमूद गजनवी भी वो पाकिस्तान नहीं, नहीं गजनी से आया था ना, तो भाई उधर अशरफ गनी के साथ जाके मोदी खुद बैठ जाए, हम तो देखेंगे ना, उधर जाके कहे कि भैया आप लूटने आए थे सोमनाथ, तो वो पठान वे पख्तून तय कर ले, साले तालिबान को बिठा ले, सही है, और इसी तरह वहां पे उलमा को बिठा ले सारे, ठीक है। आप बड़ा सीधा सा, और मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा कोई मनाजरा अरेंज करवाऊं किसी किसी भी अरब मुल्क में जहां पर ये मोदी अजीत डोवाल वहां बैठ के उनको बताएं कि अपने मीडिया पे बैठे जो बकबक कर रहे होते हैं मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की, हम हमारे लिए दोनों की इज्जत, अकलियत सोमनाथ तोड़ा था उनकी इबादत हमारे लिए काबिल एहतराम। मसला क्या है कि इसको उनका काम भी मुस्तफ़ी होना, वापस आना, वो बानी एमकेम का भी यही स्टाइल होता था, वो थोड़ी दिनों बाद पब्लिक के सरार पे वापस आ जाते थे, फिर नाराज होते थे, वापस आ जाते थे पब्लिक के सरार पे। तो ये मुझे नहीं पता कि फरोग नसीम साहब भी क्या इस्तीफा देते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर इस्तीफा देंगे, फिर वापस आ जाएंगे, क्या होगा। और हर दफा वो वज़ीर आज़म के कहने पर देते हैं, कभी खुद देते हैं, वो जबरदस्त आदमी है, मगर यह है बस वो फंस गए दरमियान में, ये इस रेफरेंस में से क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं बहरहाल कल क्या होता है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बता दूं कि एक तो वो अगर हमारी टीम ने तैयार कर लिया, ये इंडिया टुडे ने भी लिख ये छापा है और ये उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, 60 किलोमीटर जमीन निकलना और कारगिल का स्टाइल अगर बता रहे हैं कि कारगिल की तरह की पॉलिसी है, तो ये देखें अब ये बिजनेस स्टैंडर्ड लिख रहा है कि 60 किलोमीटर ऑफ इंडियन पेट्रोल टेरिटरी इन लास्ट मंथ 60 किलोमीटर निकल गया, ठीक है। तो अब दूसरी बात देखें, मैं थोड़ा सा ये जो बात होती है ना कश्मीर के हवाले से, मैं थोड़ी सी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में उससे इत्तेफाक नहीं करता कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी ये पॉलिसी है कि ये पाकिस्तान और भारत को बात करनी चाहिए, कभी पाकिस्तान की रियासत ये कहती है कि जिसमें कोई तीसरा फरीक आ जाए। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है मकबूजा कश्मीर, ठीक है, जब हमारा अंदरूनी मामला है तो फिर उसको हम अपने अंदरूनी मामले के तौर पे हमें हल करना चाहिए और हल करना होगा। इंटरनल हमारा कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें हमें भारत से बात करने की क्या जरूरत है, तो मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अच्छा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है हमारा, उस पर हमारा वो हिस्सा है और उस पर मैं नहीं समझता कि कोई उस पर बातचीत अगर होती है तो चले ठीक है, खैर है, होनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इधर तो ये हो गया ना धबरदू सारा का सारा मोदी साहब का, अब जो दूसरा इनका दरमियान में बच्चा बैठा हुआ था वो था इसराइल, 1 महीने बाद उसकी इनेक्सेशन होनी है ये, और अरब ममालिक खड़े होने शुरू हो गए, अरब ममालिक खड़े होंगे। मैंने कहा ना कि वो ये राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की बहस वहां जाके करवाए ना, बनू उमैया, हाँ हाँ बनू उमैया के वहां जाके बहस करवाए ना, कि महमूद गजनवी की काबुल में करते हैं बहस। अच्छा, अब मामला क्या है कि ये ग्रेटर ये होना क्या था, ये जो है इसको अगर आप समझे ना ये डील क्या है, ये होना क्या है? अच्छा, उन्होंने कर रहे हैं उनके पास। आशा है दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा होगा और वीडियो आपको काफी पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो के बारे में हम आपसे कुछ रोचक तत्व शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे चाइना जितना सभ्य देश या सीधा देश लगता है, हमें लगता था कि केवल चाइना भारत के साथ ही बहुत आंतरिक गतिविधियों में दखल देता है या जमीनी मामलों में दखल देता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है।
चाइना, शायद ये कहना गलत ना होगा कि चाइना विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो विस्तारवाद की राजनीति को बढ़ावा देता है और दुनिया में हर जगह, चाहे वो बंदरगाह हो या चाहे समुद्री मार्ग हो या चाहे जो भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम हो जो समुद्रों के रास्ते से होते हैं, उन पे चाइना अपना कब्जा चाहता है। चाइना असल में दोस्तों सिर्फ चाहता ये है कि जितने ट्रेड वे हैं, यानी रास्ते हैं, ट्रेड करने के जितने भी रास्ते हैं समुद्री मार्ग पे, वो सब पे अपना कब्जा कर ले और सब पे टैक्स बढ़ा दे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से दोनों तरह से चाइना जो है वो पैसा लेना चाहता है और ज़मीन भी हथियाना चाहता है, क्योंकि चाइना को लगता है कि सबसे ज़्यादा आर्मी भर रख लेने से, सबसे ज़्यादा एडवांस हथियार रख लेने से आज के समय में वो किसी की भी ज़मीन आसानी से हथिया लेगा। लेकिन दोस्तों इस बात को कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब अमेरिका इतना देश जो कि सुपर पावर है आज के डेट में, वो किसी की एक इंच जमीन तक नहीं ले सकता, तो फिर चाइना इस तरह के ख्वाब क्यों देखता है? क्यों चाइना को ये लगता है कि जो वो कर रहा है वो सब कुछ सही है और सारे देश उसको एक्सेप्ट करेंगे? जबकि दोस्तों ऑलरेडी भारत ने और अमेरिका ने इस पे कड़ा विरोध भी जताया जा चुका है। और भी दोस्तों हम आपसे बात करेंगे कि कैसे चाइना जो है वो फिलिस्तीन को उकसा रहा है, ताकि जो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो भी टेंशन चल रहा है, जो भी युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध, उसको और तेज कर सके फिलिस्तीन। दोस्तों ये भी कहना यहाँ गलत नहीं होगा कि फिलिस्तीन को शायद फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाइना करता हो इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल बीते कुछ दिनों में फिलिस्तीनियों से बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। इसराइल का कहना है, वहाँ की मीडिया हाउसेस का कहना है कि यहाँ पिछले कुछ दिनों में फिलिस्तीन की तरफ से बहुत ज़्यादा अटैक बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा गोले बारूद दागे जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी इसराइल किसी तरफ से दबा नहीं है और डट के खड़ा है, सारी मुसीबतों का सामना कर रहा है और उसने भारत को भी पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी स्थिति में भारत जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है और इसराइल भारत के साथ। तो दोस्तों अगला मुद्दा जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है कि जो न्यूज़ एंकर यहाँ पे बैठे, इन्होंने कहा कि मोदी और ट्रंप दोनों भाई बहन हैं। सो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये दोनों एक दोस्त भाई कह सकते हैं, दो सगे भाई की तरह ही हैं। क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम ट्रंप करते हैं अमेरिका में तो ज़रूर मोदी को याद करते हैं, या मोदी जी कोई कार्यक्रम करते हैं भारत में तो वो ट्रंप को याद करते हैं, और दोनों एक दूसरे का भरपूर सहयोग करते हैं, चाहे वो राजनीतिक सहयोग हो, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो भी सहयोग हो, ये दोनों आपस में एक दूसरे को सहयोग करते ही रहते हैं। इसी बात को लेकर चाइना बहुत ज़्यादा चिंतित है कि इस कोरोना महामारी के बीच भी चाइना सबसे ज़्यादा अगर परेशान है, तो वो दुनिया में केवल दो ही देश हैं जिन्होंने चाइना के नाक में दम कर रखा है, एक इकलौता भारत है और एक अमेरिका, आप सब जानते हैं दोस्तों। लेकिन अमेरिका की एक रणनीति सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका डर के या सामने से कोई भी वार नहीं करता, वो हमेशा पीठ पीछे से वार करता है। कहने का मतलब ये है कि चाइना किसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, किन्हीं दो देशों के बीच में लड़ाई लगवाता है और फिर सपोर्ट करने चला आता। दोस्तों यहाँ एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी इस न्यूज़ एंकर ने बताया कि एक अजय शुक्ला जो हमारे पूर्व आर्मी ऑफिसर रहे हैं, जिनका जो पद था वो कर्नल का था, उन्होंने कहा था कि कारगिल क्षेत्र में भारत और चाइना की सीमा जहाँ पे सटती है, या पाकिस्तान की भी सीमा जहाँ पे सटती है, वहाँ का कुछ इलाका ऐसा है 60 किलोमीटर का जिसपे चाइना और भारत दोनों अपना कब्जा जताते हैं, और शायद उसी उसके कुछ हिस्से को लेके अभी भी आपत्ति जताई जाती है। चाइना चाहता है अपने ट्रूप्स यानी अपनी सैनिक वहाँ हम अगर खड़े कर देंगे तो भारत पीछे हट जाएगा और वो 60 किलोमीटर का दायरा हम कब्जे में कर लेंगे। लेकिन हम दोस्तों आपको अभी बताना चाहते हैं कि आज के डेट में वो 60 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से भारत के कब्जे में है, और चाइना को ये बात उसके बहुत दिनों से गढ़ रही है उसकी आंखों में। यही कारण है कि चाइना आए दिन कारगिल पे और लद्दाख में अपने सैनिकों को सीमा पे विवाद करने के लिए हमेशा खड़ा कर देता है, और वो जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहता है। क्योंकि चाइना मानता है कि अगर उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जो भी निशानियाँ हैं वहाँ पे अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।